जी अविनाश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, भव्य तैयारियां की गई हैं और जानकारी ये मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने वाले हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये कल की तस्वीर है, जब वो भगवान की शरण में थे, भगवान का आशीर्वाद दे रहे थे, कार्यकाल उनका अच्छा रहे और विकास का जो लक्ष्य लेकर चुनाव उन्होंने लड़ा था उसी लक्ष्य को वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि घोषणा पत्र की नीतियों पर उनका फोकस है। लगातार वो जनता से ये वादा करते रहे हैं, भरोसा देते रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो कुछ भी वादे हैं उस पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। देखिए कुछ बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं, सीएम आवास से टपकेश्वर महादेव मंदिर सबसे पहले धामी पहुंचेंगे, इसके बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के बाद पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन उनके लिए है, उत्तराखंड के लिए है, तो ऐसे में सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंचेंगे। कुछ ही देर में वो सीएम आवास से रवाना होने वाले हैं, इसके बाद सबसे पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। और चलिए सीधे आपको विनोद के पास लिए चलते हैं, परेड ग्राउंड में वो मौजूद हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। विनोद दिखाइए एक बार तैयारी, किस तरीके के इंतजाम और कितनी हलचल अब वहां पर तेज होती जा रही है। जया देखे, जैसे जैसे शपथ समारोह कार्यक्रम की जो घड़ी है वो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इस प्रांगण में, इस मैदान में हलचल बढ़ने लगी है। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, आप देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है, और पुलिस के जवान हों, पुलिस के अधिकारी हों, अधिकारियों के माध्यम से जितने भी यहाँ पर पुलिस बल हैं उनको अपने अपनी जगहों पर तैनात किया जा रहा है। और ये मानिए कि जो इस कार्यक्रम का जो तैयारियों का अंतिम रूप है उसको फाइनल टच देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी ओर मैं आपको मंच दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मंच है जहाँ पर धामी सरकार के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके साथ साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अभी इस जगह पर पहुंचेंगे। 12 राज्यों में मणिपुर है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार है। तो जो जानकारी मिल रही है कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं। और जया ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस पूरे कार्यक्रम को एक मेगा इवेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही सरकार के अंदर बनाई है, उस सरकार का आज से विधिवत रूप से काम शुरू हो रहा है। भगवान सारी बाधाएं दूर करें, विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, सभी प्रकार के जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे प्रदेश के अंदर हो, हमारा विकास तेजी से बढ़े, हमारे यहाँ पर जो जन आकांक्षाएँ वो पूरी हों, भगवान से प्रार्थना की टपकेश्वर महादेव बने। धन्यवाद।